हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जवानों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2020 के बाद सभी कंपनियों ने सभी बाइकों को, बाइक स्कूटर सभी को BS6 कर दिया गया है। तो BS6 में जो सिस्टम लागू है वो FIE सिस्टम है और सभी सेंसर और एक्टिवेटर पर इंजन वर्क करता है। इसे वर्क करने के लिए बहुत सारे सेंसर की ज़रूरत होती है, सेंसर और एक्टिवेटर के। इसे क्यों निकाला गया है, क्योंकि ज़्यादातर एयर पोल्यूशन हो रहा था, उसको कम करने के लिए कंपनियों ने BS6 बनाना चालू कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए, मैं इसके बारे में आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अब आप पे भी किसी भी कंपनी BS6 बाइक है तो आप किस मैकेनिक पर रिपेयरिंग करवाएँ, जिस पर यह टूल अवेलेबल हो उस पर ही रिपेयरिंग करवाएँ, या फिर आप सर्विस सेंटर रिपेयरिंग करवा सकते हैं। इन टूलों को बारे में बताऊंगा। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों, जितनी भी BS6 बाइक हैं, BS6 के मीटर काउंसलिंग में एक चेक इंजन लाइट का सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि आप चाबी ऑन करोगे किसी भी बाइक की या स्कूटर की, तो वहाँ पर चेक इंजन का जो बत्ती होती है वो जलेगी, और जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो जो चेक इंजन का लाइट है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश आपकी गाड़ी में चालू करने के बाद चेक इंजन का जो संबल है वो जलना बंद नहीं हो रहा है, तो आप समझाओ हमारी गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट है। वो चेक इंजन लाइट है वो ये डिटेक्ट करता है कि हमारी गाड़ी का किसी भी सेंसर या एक्टिवेटर हमारा ख़राब है या इसकी सॉकेट लूज हुई है, इसकी वजह से हमारा जो FIE सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसलिए ये अलर्ट दी होती है कि एक बार हमारे कोई भी सेंसर या एक्चुएटर वर्क नहीं करता है या काम नहीं करता है, तो वो चेक इंजन लाइट है वो हमको बता देती है कि भाई हमारी गाड़ी में कोई फोल्ड आ चुका है, इसे फोल्ड को डिटेक्ट करती है। तो जब भी आपको ऐसे ही चेक इंजन लाइट चलना चालू हो गई तो आपको कंपनी में यह गाड़ी दिखानी है। दोस्तों, बाई द वे किसी भी कारण बस आप कंपनी पर नहीं जा पाती या कंपनी दूर है तो किस मैकेनिक पर, तो आप जिस मैकेनिक पर दिखा सकते हो उस पर एक टूल होना चाहिए, वो टूल होता है OBD। दोस्तों, अभी मैं उस टूल को दिखाऊंगा। दोस्तों, जो ये टूल है वो है OBD। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इस पर DLM 327 2.1 के नाम से मैंने ऑर्डर किया था, और ऑर्डर का जो पेमेंट किया था वो मैंने कैश पेमेंट किया था। इसकी जो दोस्तों वो प्राइस थी वो 550 रुपये थी। दोस्तों, इसमें टोटल जो पिन है वो 16 होती हैं। ये हमारे कार, बाइक और स्कूटर, ये तीनों में काम कर जाता है, बस इनकी केबल है उन्हें वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैंने अमेजोन से एक केबल मंगाई थी, जो ये वाली केबल देख रहे हैं, ये वाली, इसके अंदर एक केबल है, इसे हम ओपन करते हैं। ये वाली केबल जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, ये केबल काम करेगी तुम्हारी बजाज, KTM और TVS, इन तीन कंपनियों की बाइक में ये केबल काम करती है। दोस्तों, एक ये भी केबल हर एक बाइक में या हर एक स्कूटर में कनेक्ट नहीं होती है, कई कई ऐसे स्कूटर हैं जिसमें यह केबल कनेक्ट नहीं होती है। तो जब भी आप किसी भी बाइक पर बाइक को रिपेयरिंग कराना चाहते हैं किसी भी दुकान पर या किसी मैकेनिक भाई पर, तो ये केबल होना ज़रूरी है। जब भी ये केबल और ये OBD इस प्रकार से हो तभी आप बाइक को रिपेयरिंग कराएं, और OBD नहीं है तो आप किसी भी बाइक को रिपेयरिंग ना कराएं, क्योंकि किसी भी मैकेनिक भाई को कोई पता नहीं है कि ये कैसे सामान खुलेगा, कहाँ से यह डायरेक्ट होगा, उधर उधर से वायरिंग अगर कहीं पर भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो समझ लो आपका ECU ख़राब होने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। दूसरी जो मैंने केबल मंगाई थी वो मंगाई थी, ये मैकेनिक TV एक ऐप है उसके ज़रिए मैंने मंगाई थी। इसका जो पेमेंट था वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। इसमें जो केबल है वो है होंडा कंपनी की केबल, ये जो देख पा रहे हैं ये होंडा कंपनी केबल है। ये ज़्यादातर होंडा कंपनी की बाइक हैं उसमें ये काम करेगी, बट कोई कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें ये होंडा कंपनी की केबल है वो काम नहीं करती है। और हीरो के लिए मैंने दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं ये जो सॉकेट, ये पल्सर के ऑन ऑफ स्विच होता है उसका ये सॉकेट है। इसमें दोस्तों ये जो चार वायर हैं वो मैंने अलग से कनेक्ट किए हुए हैं,
क्योंकि जो हीरो कंपनी की जो केबल है वो मैंने मंगाई नहीं है, इसमें हीरो कंपनी की किसी भी बाइक को कनेक्ट करने की हमें चार वायरों की ज़रूरत होती है, एक बैटरी प्लस, एक बैटरी माइनस और एक एसी प्लस और एक एसी माइनस। दोस्तों मैंने चारों तारों के तो अलग अलग कर लिया है और इसके जो मैंने ये सॉकेट है वो हमने बना लिया, इसे मैंने परचेज नहीं किया है। तो जब भी आप किसी भी बाइक को BS6 को रिपेयरिंग कराएं तो ये तीनों केबल साथ में OBD होना ज़रूरी है। और समझ लो उस पर कोई भी OBD या कोई भी केबल नहीं है तो आप किसी भी मैकेनिक कैसे भी तरीका से, चाहे वो कह दे कि मैं भाई आपकी बाइक को सही कर दूंगा तो मेरे पास ले आना, मैं 100% सही कर दूंगा, तो आप किसी भी कार ड्राइवर से उस पर रिपेयरिंग ना कराएं। क्योंकि दोस्तों इससे से ही पता हमें चलता है कि हमारी गाड़ी के अंदर कौन सा सेंसर ख़राब है और कौन सा नहीं है। दोस्तों अगर ये केबल कनेक्ट कैसे भी करके किसी भी कार ड्राइवर से नहीं होती है या किसी मैकेनिक पर नहीं है तो बिल्कुल भी रिपेयरिंग ना करवाएं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा सेंसर ख़राब है। बहुत हर एक गाड़ी में 4-5 से लेकर 6 सेंसर तक दिए हैं, जैसे कि ऑटो सेंसर है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, बैक इंजन सेंसर है, TPS सेंसर है, मैप सेंसर है, कई ऐसे सेंसर हैं जिसे आप बिना OBD कनेक्ट किए हुए पता नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा सेंसर ख़राब है। तो बस दोस्तों इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने सोचा कि जो भी मैंने ये केबल मंगाई हुई है आपको मैं दिखा दूं कि मैंने कहां से मंगाई थी। बहुत मैकेनिक भाई ऐसे हैं कि किसी को पता नहीं है कोई किसकी केबल कहां से लूं, कहां से OBD प्राप्त होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।